हेलो फ्रेंड, रेंटल फ्लैट का डिज़ाइन लेकर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं। मात्र 400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, फेसिंग साउथ है। इसमें फ्रेंड 1 BHK का फ्लैट प्रत्येक फ्लोर में लिया गया है। स्टेयर केस का प्रावधान बाहर में किया गया है, जिसके कारण आप इसमें चाहें तो G+2 तक जा सकते हैं। और खासियत इस प्लान का यह है कि रूम का साइज सुंदर है, बहुत छोटा इसमें नहीं है। साथ ही साथ बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग दिया हुआ है। रोशनी का भी प्रावधान किया गया है, इसके कारण ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको सफोकेशन हो। सभी चीज़ यथास्थान खूबसूरती से सजाया गया है, तो विश्वास है प्लान पसंद आएगा। तो फ्रेंड प्लीज, यदि प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन या अल्टरनेट डे ऐसा प्लान लेकर आपकी सेवा में नियमित रूप से उपस्थित होता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लान को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, बिल्कुल वर्गाकार 20 फीट बाय 20 फीट। तो फ्रेंड इसमें एक 5 फीट बाय 5 फीट का ओपन स्पेस छोड़ दिया गया है, जहाँ से आपको रैंप लेना है इस जगह। और ये रैंप कम से कम इस एरिया को, पार्किंग एरिया को 1 फीट ऊपर अवश्य रखें और यहाँ से 1.5 फीट ऊपर प्लिंथ हाइट को रखें। इस जगह पर आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, या फिर आप ये स्टेयर के नीचे 2 व्हीलर को पार्क किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आयरन गेट का प्रावधान किया गया है। इस जगह आयरन गेट आपको देना है। उसके बाद में यहाँ से ठीक सामने स्टेयर केस है। स्टेयर केस की चौड़ाई मात्र 5 फीट रखा गया है। फ्लाइट की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है। यहाँ ट्रेड की चौड़ाई रखा हुआ है 9 इंच, जबकि राइजर 6 इंच है। यहाँ लैंडिंग ऐसे 5 फीट और ऐसे 3 फीट है। लैंडिंग के ऊपर यहाँ पर 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई में वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डी 3 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का देना है डोर। आप लिविंग रूम में एंट्री लेते हैं, सामने लिविंग रूम है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर ये देखिए पीछे सोफा का अरेंजमेंट दर्शाया हुआ है। 2 सीटर इस साइड में है और 2 सीटर इस साइड में, और एक बीच में छोटा सा सेंट्रल टेबल है। और फ्रेंड यहाँ 1 फीट 9 इंच की चौड़ाई में और ऐसे 5 फीट में एक कुकिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इसके नीचे आप सेल्फ प्रोवाइड कर सकते हैं। और पीछे देखिए, इधर WC है, ऐसे 3 फीट और ऐसे 3 फीट 6 इंच, और इस साइड में बाथरूम दिया हुआ है। बाथरूम का साइज भी खूबसूरत है, ऐसे 5 फीट और ऐसे 3 फीट 6 इंच, दोनों में D2 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का देना है। और पीछे ये इधर भी वेंटिलेशन का प्रावधान किया गया है। सिमिलरली इधर भी, जिसका साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच, ये कट ऐसे 4 फीट 7 इंच है और ऐसे 3 फीट 6 इंच। और इधर वाला कट देखिए, ऐसे 2 फीट 5 इंच है और ऐसे 3 फीट 6 इंच। इस बेडरूम में, जिसका साइज 10 फीट बाय 10 फीट है, इस साइड में एक 4 फीट 2 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो का प्रावधान किया गया है, जबकि इधर 2 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है, और एक 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान इस जगह किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। और इसी के ऊपर देखिए फर्स्ट फ्लोर का। इसमें फ्रेंड ये बाहर जो ये स्पेस 5 फीट बाय 5 फीट का बन रहा है, इसमें
आगे से बालकनी लिया हुआ है और ये कुकिंग प्लेटफॉर्म इसी में रखा हुआ है। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ पर प्लेटफॉर्म की, कुकिंग प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 5 फीट है, जबकि ये ऐसे डेप्थ 2 फीट 5 इंच आ रहा है। और इधर यहाँ डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस बन रहा है। और साथ ही साथ इधर देखिए एक 2 सीटर सोफा के साथ साथ एक टेबल आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसमें देख ही रहे इस जगह पर बेसिन का प्रावधान कर दिया गया है। तो फ्रेंड सिंगल रूम के साथ साथ में ये एक फैमिली, छोटी सी फैमिली के लिए ये सफिशियंट है। तो इस पर आप आसानी से G+2 तक लें, खासकर रेंट पर्पज़ के लिए उपयोगी है प्लान। ये देख रहे हैं स्क्वायर में सभी कॉलम को दिखाया हुआ है और सफिशियंट कॉलम का नंबर्स भी सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अराउंड 1500 पर स्क्वायर फीट के लगभग में आएगा। प्लिंथ हाइट से ऊपर सभी ब्रिक वर्क 5 इंची थिक में होगा। सिर्फ इस जगह ये वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ, इसको 3 इंच की मोटाई में रखना है। और सीलिंग हाइट पर कॉलम के साथ साथ में जब आप इसको फ्रेम स्ट्रक्चर लेकर के बढ़ते हैं तो आवश्यकता अनुसार बीम प्रोवाइड करना है। तो फ्रेंड यही था आज का प्लान, मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू।